आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर रायबरेली से है, बड़ी खबर है, जहां गांधी बाल संरक्षण गृह के मैनेजर की दबंगई सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बच्चे अध्यापक को पीट रहे हैं, अध्यापिका को पीट रहे हैं, और यह सब कुछ यहां मौजूद मैनेजर के कहने पर हो रहा है। छात्रों की गुंडई सामने आई है, बाल कल्याण अधिकारी की पिटाई करवाई गई है और यहां के मैनेजर के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। ये भारत समाचार के कैमरे में भी कैद हो गया है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन छात्रों ने बाल कल्याण अधिकारी की पिटाई की है और पिटाई करवाने वालों में यहां के मैनेजर का हाथ है। मैनेजर ने इन छात्रों को उकसाया और छात्रों को उकसाने के बाद कहा कि अगर इन्हें मारो पीटोगे तो तुम्हारे साथ न्याय होगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका को, बाल कल्याण अधिकारी को मारने पीटने लगे। ये फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पहले पर्स फेंका, उसके बाद कुर्सी से मारा, और एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि यह सब कुछ यहां जो मैनेजर हैं, बाल संरक्षण गृह के मैनेजर, उनके इशारे पर हुआ है। ये तस्वीरें रायबरेली की है। बच्चों ने हमारे पास आकर हमारा बैग फेंका, उसके बाद हमने कहा बच्चों ये सब ठीक नहीं है, तो एक लड़के ने उठकर हमको थप्पड़ मारा, तीन चार थप्पड़ मारे, जिसका नाम समीर है, और उसने कुर्सी उठा, उसकी उम्र लगभग 16 साल होगी, उसने कुर्सी उठाकर हमको तीन चार कुर्सी हमारे सर पे मारी, हमारे हाथ में मारा और तीन चार थप्पड़ हमको मारे, जहाँ से घबरा कर अपने घर चले आए हैं। बच्ची किसके कहने पर मार रहे हैं, क्या लगता है? श्री प्रबंधक जी हमारे अरुण मिश्रा जी हैं, जिसके कहने पर सारे बच्चे कार्य करते हैं। यानी प्रबंधक के कहने पर यह सब कुछ हुआ। बाल कल्याण अधिकारी ने इस बात की जानकारी भारत समाचार को दी है। कानपुर में अरमापुर थाना क्षेत्र की गन फैक्ट्री रोड पर सुबह मछलियों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में लदी हजारों मछलियां सड़क पर थड़पती हुई नजर आई। बीच सड़क पर फैले छिछले पानी में हजारों मछलियों के फैल जाने से पूरा नजारा ही बदल गया। मौके से गुजर रहे राहगीर अपने दफ्तर जाने के बजाय जमीन पर पड़ी हुई मछलियों को पकड़कर झोले में भरने लगे। कुछ ही देर में वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने मछलियों को पकड़ पकड़ कर अपने बैग में भरते नजर आए। जिस राहगीर को जितनी मछलियां मिली वो उतनी लेकर वहां से चलते बने। इस दौरान सड़क पर भीषण जाम लग गया। मछली लूटने को लेकर बीच सड़क पर भीषण हंगामा होने लगा। कंट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। ये तस्वीरें कानपुर की है। और अब आपको ग्रेटर नोएडा लिए चलते हैं। नाले के ऊपर पाई पर एक कार लटक गई है। कार बैक करते समय यह हादसा हुआ है। हादसे में बाल बाल ड्राइवर बचा है। काफी देर तक नाले के ऊपर पाई पर यह कार लटकी रही। यह बिसरक थाना क्षेत्र के गौर सिटी के पास की घटना है। जो स्थानीय लोगों थे, लोगों ने रेस्क्यू करके ड्राइवर को निकाला है। इधर कासगंज में ट्रैक्टर पलटने से दो दर्जन श्रद्धालु आज घायल हो गए। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर मौत भी हुई है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने ये लोग जा रहे थे। राहगीरों ने श्रद्धालुओं को बाहर निकाला, जिला मुख्यालय इन्हें रेफर किया गया। बढ़ौला गांव के रहने वाले थे श्रद्धालु, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। और अब हम आपको हादसे की तीन तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को देखने के बाद आप सबक लीजिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कानपुर की, जहां पर एक ट्रैक्टर पलट गई और उसमें जितनी मछलियां थी वो सड़क पर बिखर गई। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ट्रैक्टर पलट गया, कासगंज की है और तकरीबन 25 लोग घायल हुए। टेरर फंडिंग के तार इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े नजर आए। आतंकियों के निशाने पर इस बार कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है, हम आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
आतंकियों के निशाने पर पश्चिमी यूपी, टेरर फंडिंग के जाल का पर्दाफाश, गिरफ्त में देश का गद्दार। टेरर फंडिंग के तार इस बार पश्चिमी यूपी से जुड़े नजर आए हैं। आतंकियों के निशाने पर इस बार पश्चिमी यूपी रहा और एनआईए लश्कर ए तैयबा के स्लीपर सेल्स को फंडिंग करने के मामले में मुजफ्फरनगर के कारोबारी जावेद अली को गिरफ्तार भी कर चुकी है। जावेद अली के पिता ने हवाला के पैसों का उनके अकाउंट में आने की बात भी कबूली है। एक आदमी ने कहा भाई तुम्हारे पास पैसा आया जी, मका जी हाँ आया पैसा। बोला भाई पैसा आया तुमने वो गलत तरीके से क्यों मंगाया? मका साहब हमारे खर्चा था बैंक का, इसलिए हमने मंगा लिया, हमें दो लड़कियों के साथ दिखा। एनआईए पिछले दो साल से जावेद अली की तलाश में थी। एनआईए ने 2017 में टेरर फंडिंग चीफ अब्दुल समद को गिरफ्तार भी किया था और उसी से प्राप्त जानकारी से एनआईए जावेद अली की तलाश में लगातार जुटी रही और उसे पकड़ लिया। फरवरी 2018 में एनआईए ने मुजफ्फरनगर के खामपुर गांव में जावेद अली की तलाश में छापा मारा था, लेकिन जावेद अली उस वक्त गांव में नहीं मिला। ये बताया गया कि वह सऊदी अरब में है, लेकिन एनआईए ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी और मुजफ्फरनगर में छापा मार कर दो सराफा कारोबारियों की गिरफ्तारी की थी। इन सराफा कारोबारियों के पास से लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई थी और बहुत सारे आपत्तिजनक सामान भी एनआईए ने बरामद किए थे। फिलहाल ये दोनों सराफा कारोबारी जेल में बंद हैं। जावेद अली का एक भाई सऊदी अरब में रहता है, जिसके लिए जावेद अली लश्कर ए तैयबा को फंड देने वाले सऊदी के सबसे बड़े कारोबारी से मिला था और हवाला के जरिए स्लीपर सेल के लिए फंडिंग कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल्स का पता लगाने में स्थानीय खुफिया इकाई शुरू से ही नाकाम रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एनआईए ने वक्त रहते इन स्लीपिंग मॉड्यूल्स को ट्रैक किया और केवल ट्रैक ही नहीं किया, इनसे जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी भी की और साथ ही बरामदगी करके उनके नेटवर्क को भी तोड़ा है। कैमरा सहयोगी सानू और मुजफ्फरनगर से अपने सहयोगी संवाददाता सचिन त्यागी के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और इधर आज योगी आदित्यनाथ ने अचानक से 59 लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी, जिसमें सुरेश राणा का नाम है, संगीत सोम का भी नाम है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी का भी नाम है, वसीम रिजवी का भी नाम है। इन सारे लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जफर फारूकी का नाम भी है, इनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। इसके साथ नरेश अग्रवाल को भी वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है, सुरेश राणा की सुरक्षा जेड प्लस कर दी गई है, संगीत सोम की सुरक्षा वाई से बढ़ाकर जेड कर दी गई है, नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी इनकी सुरक्षा जेड श्रेणी की कर दी गई है, वसीम रिजवी और जफर फारूकी को वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है, इकबाल अंसारी और वेदांती की सुरक्षा भी बरकरार की गई है। महाबुलेटिन के दर्शक इस बात को जान और समझ लें, एक सुरक्षाकर्मी पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो खर्च आता है वो 90,000 रुपए से ज्यादा का होता है और अचानक से योगी आदित्यनाथ ने 59 लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि केंद्र सरकार लगातार सुरक्षा में घटौती कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार मेहरबान है, 59 लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें कईयों को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है और कईयों को जेड सुरक्षा, कईयों को वाई प्लस और कई को वाई, यानी एक सुरक्षाकर्मी पर जो खर्च आता है उत्तर प्रदेश सरकार का वो 90,000 रुपए से ज्यादा का है, तकरीबन 94,000 से 95,000 तक इनका खर्च आता है, जो भारत समाचार की रिसर्च टीम ने इकट्ठा किया है उसके मुताबिक एक सुरक्षाकर्मी का खर्च 95,000 रुपए आता है। इकबाल अंसारी की सुरक्षा बरकरार की गई है और इसके साथ डॉक्टर रामविलास वेदांती की सुरक्षा भी बरकरार है, यानी जो पहले सुरक्षा मिली थी वही मिलेगी। मध्यस्थता करने वाले सभी सदस्यों की सुरक्षा हटा ली गई है। आगे बढ़ते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या कैसे नजारे रहे, यानी अयोध्या में क्या माहौल रहा कार्तिक पूर्णिमा में, वो पूरी दुनिया को और खासकर पूरे उत्तर प्रदेश को इन तस्वीरों को देखना चाहिए, कैसे पुष्पक विमान के जरिए यानी हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों पर नजर रखी गई, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
सरयू तट पर कार्तिक पूर्णिमा के भव्य स्नान की तस्वीरें राम नगरी अयोध्या की है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब असंख्य लोगों ने सरयू में श्रद्धा से डुबकी लगाई और अपने आराध्य को याद किया। घाटों के किनारे श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। लोगों ने घाटों पर ही हवन, पूजन और अगरबत्ती जलाकर अपने श्री राम का अंतर्मन से स्मरण किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार नजारा इतना भव्य और दिव्य दिखाई दे रहा था। सरयू में स्नान और तर्शन और पूजन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो सरयू में भोर से ही स्नान कर रहे हैं, सरयू तट पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। सरयू तट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं में स्नान का खासा उत्साह दिखाई दिया। हमें अच्छा भी लग रहा है और मैं जो है पहली बार आई हूँ और बस ये यहाँ मैं सुनी थी कि अच्छा लगता है यहाँ पे, लेकिन काफी आकर के यहाँ पे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। आज के दिन स्नान करने से सारे रोग दोष सब नष्ट होते हैं। श्रद्धालु राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश नजर आए। इधर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात थे। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा अभेद थी। ड्रोन से हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत बचा जा सके। फैसले के बाद अयोध्या से इस तरह की ये पहली तस्वीर आई है। चारों ओर बस जय श्री राम के नाम की गूंज है। आस्था के रंग में डूबी अयोध्या अब तो बस अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर बनने का इंतजार कर रही है। रामलला के पक्ष में फैसला आया है, भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये वर्षों से चला जो विवाद आ रहा था उससे मुक्ति मिलने जा रही है। इसको लेकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद, भारत समाचार, अयोध्या। कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली पर प्रदेश भर में श्रद्धालुओं और आस्था का सैलाब उमड़ा। लोगों ने नदियों में स्नान कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और दान भी किया। ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। प्रदेश भर में कार्तिक पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा अर्चना की। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन यहां देव दीपावली का भी विशेष महत्व है। धर्म की नगरी वाराणसी में पूर्णिमा के दिन सभी घाटों पर भक्तों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पूजन अर्चन किया। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धालु स्नान और व्रत रखते हैं। धर्म स्थल चित्रकूट में कार्तिक पूर्णिमा बेहद धूमधाम से मनाई गई। मंदाकिनी गंगा के रामघाट, राघव घाट और भरत घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महिलाओं ने मंदाकिनी तट पर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करके दीपदान किया। उन्नाव में सुबह से ही कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान, दीपदान, भगवान की पूजा और दान किया गया। लाखों की तादाद में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। बागपत में यमुना में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में दिल्ली हरियाणा से श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कन्नौज के महादेवी घाट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा के कई घाटों पर स्नान किया। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा में डुबकी लगाई। बिजनौर में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों ने गंगा स्नान करके पूजा अर्चना की। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा महा स्नान पर जनपद के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने एशिया के सबसे बड़े ददरी मेले का भी आनंद लिया। बुलंदशहर में गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा में लोगों ने स्नान किया। हरदोई में भरड़ी नक्षत्र में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान किया। हरपालपुर के चियासर घाट पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई।
गाजीपुर के दादरी घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की आराधना भी की। भदोही के रामपुर गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालु स्नान के बाद विधि विधान से पूजा करके पुण्य के भागीदार बने। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी को प्रकाशोत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा, आज से 550 वर्ष पहले धर्म के प्रकाश के लिए जिस पुंज का जन्म हुआ उसका प्रकाश अभी फैला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, करतारपुर साहब की आपको और प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। हम शीघ्र ही ननकाना साहब भी जा पाएंगे। गुरु जी का प्रकाश देश ही नहीं इंडोनेशिया से लेकर कई देशों तक फैला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया। सिख पंथ की नींव रखकर नानक जी ने त्याग और बलिदान का संदेश दिया। कार्तिक पूर्णिमा के साथ उन्हें याद किया जा रहा है। तीन संदेश दिया जा रहा है, तीर्थ, नाम और बांट कर खाने का संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जब एक बड़ा तबका भयभीत था, कैसे धर्म बचेगा, कैसे सत्य बचेगा, कैसे बहन बेटियों की रक्षा हो पाएगी, आक्रांता देश और धर्म की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे। उस कालखंड में तब गुरु नानक देव जी ने अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को एक नई दिशा दी थी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश कर दी है, जिसकी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का विकल्प अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए राजनीतिक दलों को राज्यपाल को विश्वास दिलाना होगा। उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, इस बात का यकीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिलाना होगा। इसके बाद भी राज्यपाल के ऊपर ये निर्भर करेगा कि वो सरकार गठन के लिए राज्य से राष्ट्रपति शासन को हटाकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं या नहीं। लेकिन इस बार राज्यपाल ने सभी को पूरा मौका दिया। सबसे पहले राज्यपाल ने सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उसके बाद शिवसेना को मौका दिया। शिवसेना 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद आखिर में एनसीपी को मौका दिया गया, लेकिन यहां भी हालात नहीं लग रहे थे कि ये लोग सरकार बना पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के अलायंस में यानी एनसीपी और कांग्रेस में ही मतभेद था। और अब आगे बढ़ते हैं। हरदोई यात्रियों से भरी निजी बस में आग लग गई। सड़क पर आग का गोला एक निजी बस बन गई। यात्रियों को लेकर फरुखाबाद ये बस जा रही थी। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बस में बताया जा रहा है कि तकरीबन 52 यात्री सवार थे। पाली से सवायचपुर रूपापुर मार्ग की घटना है, जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक प्राइवेट बस थी और इसमें कुल 52 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित है। आगरा से नोएडा जाते समय मथुरा में चलती कार में आग लग गई। आग में जलकर चालक की मौके पर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, कार से लाश को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और ये दो तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ बस धू-धू कर जल गई हरदोई में, दूसरी तरफ एक कार में आग लगी। और दुखद यह रहा कि इस कार में जो ड्राइवर था वो बाहर नहीं निकल सका। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में कर्ब के खेत में अचानक से भीषण आग लग गई। आग से कर्ब की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। खेत में लगी आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। आग लगने की सूचना के घंटों बाद पुलिस पहुंचती है। और लखनऊ से एक अच्छी खबर यह है कि पावर कॉरपोरेशन पीएफ मामले में डीएचएफएल ने एक बयान दिया है। कंपनी निवेशकों का पैसा डीएचएफएल लौटाएगी, यानी पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कल 13 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में डेट है। हाईकोर्ट की रोक हटते ही भुगतान करेगा डीएचएफएल। सीएमडी कपिल वाधवान का यह बयान है। पावर कॉरपोरेशन का 4,000 करोड़ रुपए जमा हुआ है। डीएचएफएल पूरा पैसा लौटाने का कमिटमेंट कर चुकी है, यानी जो पैसा पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का, अधिकारियों का बतौर पीएफ यहां पर फंसा हुआ था,
अब उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि वो पूरा पैसा वापस करेंगे। और अब आपको हैदराबाद की खबर बताने जा रहा हूं मैं। हैदराबाद में ट्रेन एक्सीडेंट का वीडियो आप भारत समाचार के जरिए देख रहे हैं। ट्रेन एक्सीडेंट का ये उस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं। लोकन ट्रेन से अचानक से एक एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई, जिसके बाद क्या स्थिति हुई आप देख सकते हैं। आजकल की जो बोगियां हैं वो बहुत हाईटेक तरीके की बनाई जाती हैं, वरना ये हादसा बहुत भीषण हो सकता था। हादसे में कुल 10 यात्री घायल हुए हैं। दोनों ट्रेनें आमने सामने आ गई, यानी एक तरफ एक्सप्रेस ट्रेन थी और दूसरी तरफ लोकल ट्रेन थी। ये देखिए कैसे ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये लोकल ट्रेन है और सामने से एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। दोनों एक ही ट्रैक पर आ जाते हैं और जिसके बाद भीषण टक्कर होती है। और उसके बाद देखिए जो पीछे की बोगी थी तेज प्रेशर की वजह से वो डिरेल हो गई। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। हैदराबाद में लोकल ट्रेन से टकराई एक्सप्रेस, तो यूपी के शाहजहांपुर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पहली जो मैंने आपको खबर बताई हैदराबाद की है और दूसरी खबर शाहजहांपुर की है, जहां पर एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू के 26 नए केस देखने को मिले हैं। कल डेंगू के 26 नए मरीज सामने आए हैं। ये ऐशबाग, आशियाना, वृंदावन में डेंगू के मरीज सामने आए हैं। मड़ियाओं इलाके में भी डेंगू के कई मरीज मिले हैं। इस दौरान नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों की पेशेंट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में मैं पहुंचा हुआ हूँ। ये डेंगू का फीमेल वार्ड है, हालांकि लेकिन आप देखिए कि वार्ड की जितने भी बेड हैं लगभग सारे फुल हैं और ये बताते हैं कि लखनऊ में किस तरीके से डेंगू ने अपना पैर पसारे रखे हुए हैं और किस तरीके से लोग उससे परेशान हैं। हालात ये बने हैं कि बिना मास्क के उनके तीमारदार बैठे हैं, क्योंकि किट नहीं है लोगों के पास में। जो डेंगू की जाँच किट है वो यहाँ पर बहुत कम है और साथ साथ जो नगर निगम ने दावा किया था कि पूरी तरीके से फॉगिंग की जा रही है, साफ सफाई नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। और इधर लखीमपुर खीरी में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। लखीमपुर खीरी में बीमारी से मौतों के मामले में शासन ने भारत समाचार की खबर का संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने मामले की जानकारी ली है। स्वास्थ्य विभाग की 5 टीमें गांव भेजी गई। बीमारी की वजह से 250 जो कोलू बने थे ये बीमारी की वजह बने। खाद्य विभाग की टीम मौके पर भेजी गई है। कौशाम्बी जिले के चरवा थाना के गढ़वा गांव में सोमवार की रात बंद कमरे में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दे दी है। प्रेमी के आने पर परिजनों ने बाहर से दरवाजा बंद कर चोर चोर का शोर मचा दिया था। इस पर दोनों ने फांसी लगाई। पुलिस के आने पर पुलिस अंदर गई और युवती के साथ चल रही थी। अस्पताल ले जाते समय युवती ने दम तोड़ दिया। हालांकि युवती की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। खबर मेरठ के मछरा इलाके की है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने बाइक से जा रहे मां बेटे को गोली मार दी। बदमाशों की गोली लगने से दोनों मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहीं गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस विभाग में घोटालों की खबर कम ही आती है और जब आती है उसकी गाज कई अफसरों पर गिरती नजर आती है। एक ऐसा ही घोटाला हुआ नोएडा पुलिस में और ये घोटाला नोएडा पुलिस में ही नहीं प्रदेश के बाकी जिलों में भी हो सकता है, या फिर कहें लगातार हो रहे हैं नोएडा में। इसका खुलासा भारत समाचार ने खुलासा किया है। नोएडा पुलिस में होमगार्ड ड्यूटी घोटाला हुआ है, जिसमें होमगार्ड थानों पर आए बगैर अपना वेतन सालों से लेते चले आ रहे हैं और ये सब हुआ है थाना अध्यक्ष की मदद से। जो
होमगार्ड्स का वेतन 2 महीने में ड्रॉ हुआ है, उसमें 50% वेतन फर्जी मस्टर रोल और थाने की मोहर वगैरह लगा के ड्रॉ हुआ है। इस संबंध में जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। शासन से 3 मेंबर्स की एक जांच समिति बनी है, वो इस प्रकरण में जांच कर रही है। आगे जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण में घोटाला एक आम बात है, लेकिन इस बार चौंकाने वाला घोटाला हुआ है नोएडा पुलिस में, होमगार्ड ड्यूटी घोटाला। होमगार्ड ड्यूटी नहीं करते थे, उसके बावजूद भी उनको इनकम उनकी पूरी होती थी, और कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारी थाना स्तर का जो SHO होता है उसकी होती है और मुंशी की होती है। तो कहा जा सकता है इस घोटाले में जो पूरा रकम गई है उसमें मिली भगत SHO की भी रही है और मुंशी की। फिलहाल SSP ने जांच कराई और शासन को भेज दी है कि आखिर किस तरीके से घोटाला हुआ था। देखना होगा आने वाले वक्तों में, जब इस पूरे घोटाले की जांच खत्म होगी तो आखिर कितने SHO नपते हैं इस जांच की आँच में। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। नमस्कार।